आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और इस रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सिमर का ससुराल, जहां आज हम आपको यात्रा करवाएंगे पाताल लोक की, जिसकी साम्राज्ञी है पाताली देवी, जो दिन रात यहां अत्याचार करती रहती है। किसी की हंटर से पिटाई करवाती है तो किसी को पत्थर का बना देती है। पाताली देवी पाताल लोक में है तो फिर अत्याचार करेगी ना, वही तो मेरा कैरेक्टर है। पाताली देवी, बहुत ही जल्द आपका अंत हो जाएगा और आपके साम्राज्य की नई रानी बनेगी सिमर देवी। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं संतोषी माँ के सेट पर, जहाँ अपनी बेटर हाफ टीजे सिद्धू के जन्मदिन पर उन्हें सरप्राइज देने आए हैं करणवीर बोहरा पूरी तैयारी के साथ। तो आज हम आए हैं हमारे बेबू के सेट पे, संतोषी माँ के सेट पे। हमेशा अच्छा लगता है कि आज मेरे सेट पे आए हैं। हर सेट शी ओन्स दिस। 10 साल से इनके सेट पे जा रही हूँ। हाँ, और इस बार हम इसके सेट पे आए हैं। हमारा अगला स्टेशन है स्वरागिनी का सेट, जहाँ स्वरा पर जानलेवा हमला हुआ है। काले जादू की मदद से और पतंग के धागे से स्वरा का गला दबाने की कोशिश की गई है और वो बुरी तरह से घायल हो गई है। वो तो भला हो संस्कार का, जो ऐन मौके पर वहाँ पहुँच गया और स्वरा की जान को बचा लिया। हमारा अगला स्टेशन है ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट, जहाँ अक्षरा बन ठन कर सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो गई है। मगर कोई है जो अक्षरा को ये कॉम्पिटिशन जीतने से रोकना चाहता है, कोई है जो उसे ऐन मौके पर परेशान कर रहा है। कोई चाहता नहीं है कि मम्मा इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान है, पर हमें पता नहीं कि कौन है। मगर फिर भी अक्षरा ने अपनी सूझबूझ से और अपनी बेहतरीन गायकी से दूसरा स्थान पा ही लिया। अब चलते हैं ये है मोहब्बतें के सेट पर, जहाँ काफी दिनों के बाद रमा निशिता अपनी रूही बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। रूही भी छुट्टियाँ मनाकर लौट आई है और अब वो अपनी इशिमा और अपने पापा के साथ काफी मस्ती कर रही है। इन तीनों की हैप्पी गोलक की फैमिली देखकर सच में हमें बहुत अच्छा लगा। अगर इसी के साथ बंधु को लेकर काफी चिंता भी हो रही है, क्योंकि सूरज की साजिशों से बंधु काफी परेशान है। वो तो भला हो रमन का, जिसने वंदिता का एक्सीडेंट होते होते बचा लिया। फटाफट खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेगी फटाफट खबरों की ये छुक छुक गाड़ी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।